दोस्तों, हमारे मित्र राजू जी ने यह प्रश्न किया है कि टीवी और यूट्यूब पर या इंटरनेट पर ढेरों सारे उपाय बताए जाते हैं, परंतु हम कैसे उनमें से सही उपाय निकाल सकते हैं या कैसे पता कर सकते हैं कि सही उपाय क्या होगा, जानने के लिए वीडियो अंत तक देखिए। नमस्कार दोस्तों, पायस एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अक्सर सही जानकारी के अभाव में सामान्य जन किसी के भी कहने पर कोई भी ज्योतिषीय उपाय आजमाने लगते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इस तरह से आजमाए गए उपाय कई बार हानिकारक सिद्ध होते हैं। ज्योतिष की माने तो हर कोई किसी न किसी ग्रह दोष से ग्रसित होता है। कई बार उसे पता ही नहीं चलता कि वह किस वजह से परेशान है। उसकी जिंदगी में तूफान थमने का नाम ही नहीं ले रहा, किस वजह से उसका जीना मुहाल हुआ पड़ा है। थोड़ा बहुत ज्योतिषी तो हम भी हो जाते हैं। नवग्रह दोष लक्षणों के आधार पर पता चल जाते हैं। जब आदमी परेशान होता है तो वह खुद ही कुछ ना कुछ रिसर्च जरूर करता है कि आखिर ये दुख खत्म क्यों नहीं हो रहा है, इस परेशानी का कारण क्या है। हम में से ज्यादातर लोग इस बात का पता लगा लेते हैं कि शनि के कारण दिक्कत हो रही है, मंगल के कारण दिक्कत हो रही है या किस ग्रह के कारण हमें परेशानी हो रही है। आप स्वयं भी इंटरनेट पर जाकर अपनी कुंडली खोलकर यह पता लगा सकते हैं कि किस ग्रह की महादशा चल रही है, उस ग्रह से संबंधित उपाय कर सकते हैं, क्योंकि 90% परेशानियां दशा या अंतरदशा में रहने वाले ग्रहों के कारण होती हैं। हम यह तो पता लगा सकते हैं कि किस ग्रह की दशा चल रही है, परंतु यह पता नहीं लगा पाते कि हमें उपाय क्या करने हैं और कैसे करने हैं। उपाय करने के कुछ नियम होते हैं, तो आज हम उन्हीं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले, जो ग्रह शुभ है उसकी धातु या रत्न धारण करने चाहिए, जो ग्रह अशुभ है उसका विधि पूर्वक दान आदि करना चाहिए। कई बार व्यक्ति महंगे रत्न पहनने में असमर्थ होते हैं, तब उनके स्थान पर उपरत्न पहनने की सलाह दी जाती है। प्राचीन ग्रंथों में 48 प्रकार के उपरत्नों का जिक्र किया गया है। कई उपरत्नों का अपना स्वतंत्र महत्व होता है। व्यक्ति की आवश्यकता अनुसार उपरत्नों को धारण करने का परामर्श दिया जाता है। कई बार स्वास्थ्य संबंधित बातों में रत्नों की बजाय उपरत्नों में बहुत सफलता प्राप्त होती है। एक उदाहरण के लिए समझते हैं कि किसी को पाइल्स की प्रॉब्लम हो गई है, तो उसे माहे मरियम नाम का एक पत्थर पहनाए जाने पर यह समस्या धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। उपरत्न कई बार एक ही विषय से संबंधित होते हैं। संबंधित ग्रह की धातु धारण करने से भी लाभ मिलता है और इन धातुओं का दान करने से भी ग्रहों का बल मिलता है। तो आइए जानते हैं कि कौन से ग्रह के लिए कौन सा रत्न और कौन सा धातु पहनना चाहिए। सूर्य के लिए आपको माणिक्य रत्न पहनना चाहिए। अगर आप माणिक्य नहीं पहन सकते तो उसका उपरत्न लाल रक्तमणि या स्टार रूबी कहलाता है। और यदि धातुओं की बात करें तो आप सोना पहन सकते हैं। चंद्र के लिए मूनस्टोन या मोती पहन सकते हैं और इसके लिए धातु चांदी होती है। मंगल के लिए मूंगा धारण कर सकते हैं, कार्नेलियन पहन सकते हैं जिसे रात रतुआ बोलते हैं और इसके लिए धातु सोना धारण कर सकते हैं। बुध के लिए आपको पन्ना धारण करना होगा, नहीं तो आप जेड, फिरोजा या पेरिडोट भी धारण कर सकते हैं। इसका धातु कांसा होता है। कांसा एक मिश्रित धातु है जो तांबे और जस्ते को बराबर भाग में मिलाकर बनाई जाती है। गुरु के लिए आप पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं, नहीं तो सुनहला पहन सकते हैं और धातु सोना पहन सकते हैं। शुक्र के लिए आपको हीरा या उसका उपरत्न ओपल या जरकना पहन सकते हैं, उसका धातु चांदी है। शनि के लिए आप नीलम पत्थर पहन सकते हैं, नीली कटेला जिसे एमेथिस्ट के नाम से भी जाना जाता है धारण कर सकते हैं, तथा इसकी धातु या तो चांदी है, लोहा है या शीशा माना जाता है। राहु के लिए आप गोमेद धारण कर सकते हैं और तुरसावा करके एक पत्थर होता है, वह भी धारण किया जा सकता है। केतु के लिए लहसुनिया धारण किया जाता है और एक और पत्थर होता है जिसे मार्का के नाम से जानते हैं, वह भी धारण कर सकते हैं। इन दोनों के लिए ही आपको पंच धातु धारण करनी चाहिए। यंत्रों से हमें बहुत लाभ मिलते हैं। मान्यता है कि यंत्रों में अपार शक्ति होती है और उनके प्रभाव से जीवन में आने वाली मुश्किलों का अंत हो जाता है, इसलिए वैदिक ज्योतिष में यंत्र स्थापना पर अधिक जोर दिया गया है। घर, ऑफिस और कारखानों में सुख समृद्धि बनी रहे इसके लिए यंत्रों की स्थापना की जाती है। इनमें व्यापार वृद्धि यंत्र, कुबेर यंत्र, वास्तु यंत्र, धन वर्षा यंत्र, महालक्ष्मी यंत्र और काल सर्प दोष निवारण यंत्र शामिल हैं। इन्हीं में नवग्रह यंत्र भी हैं। यदि प्रतिकूल ग्रह
की दशा चल रही है तो प्रतिकूल ग्रह यंत्र घर में स्थापित करने से या अंगूठी पहनने से लाभ मिलता है। लाल किताब के बारे में आप सब लोग जानते होंगे। लाल किताब के ज्यादातर उपयोग जल प्रवाह करने के लिए बताए गए हैं। जल प्रवाह करने वाले उपयोगों में सबसे बड़ी बात यह है कि यह स्थिर पानी में, जिसे हम खड़ा पानी बोलते हैं, वहां पर उपाय नहीं किया जाता। यह उपाय हमेशा नहर या किसी नदी के बहते हुए पानी में किया जाता है, तभी इनका फल प्राप्त होता है। सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले यह उपाय करने पर ज्यादा उत्तम फल मिलता है। यंत्र मंत्र और तंत्र की साधना। तंत्र मंत्र की साधना का ज्योतिष शास्त्रों में सबसे कठिन पर सबसे असरदार उपाय बताया गया है। जप तप और मंत्र के बल पर कई मनुष्यों ने असंभव कार्यों को भी संभव किया है। हालांकि आज के आधुनिक युग में तंत्र मंत्र की साधना करना इतना आसान नहीं है। विषम परिस्थितियों में यदि मनुष्य मंत्रों का सहारा ले तो उसकी हर राह आसान होती है। उपायों को करते समय कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। किसी भी उपाय और टोटके को करते समय मन में विश्वास रखना बहुत जरूरी है। उपाय और टोटकों की गोपनीयता बनाए रखें। इसका मतलब यह है कि इसके बारे में किसी से जिक्र न करें। सभी उपाय रीति नीति के साथ पूर्णतः सात्विक होकर करने चाहिए। मन में यह विचार करें कि आस्था और विश्वास के साथ किए जाने वाला यह कार्य जरूर सफल होगा। धन संबंधित किए जाने वाले उपाय शुक्ल पक्ष में ही करने चाहिए। शास्त्रों में चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी को रिक्ता तिथि यानी खाली तिथि माना गया है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि इस दिन से उपाय शुरू न किए जाएं। और यदि ऐसी स्थिति है तो फिर किसी विद्वान का परामर्श जरूर ले लें। दोस्तों, सबसे अच्छा उपाय तो ईश्वरीय पूजा ही होती है। इस तरह के उपाय को विधि विधान से करना चाहिए। परंतु यदि समय के अभाव में या परिस्थितियों के कारण आप पूजा नहीं कर पा रहे हो तो आपको अपने आराध्य को याद करके उनसे अपनी समस्या जरूर कहनी चाहिए। इसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप वहां जाकर ये पता कर सकते हैं कि कौन सा ऐसा समय है जब आपको अपने आराध्य से बात करनी है और वो आपकी बात जरूर सुनेगा। यदि आप पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो रत्न धारण करके, दान करके या किसी पंडित के द्वारा मंत्रों की साधना करा के आप अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। यदि भाव का स्वामी कमजोर है तो भाव के कारक स्वामी की भी पूजा की जा सकती है, क्योंकि भाव का स्वामी उसकी नींव होता है, यानी कारक ग्रह उस भाव की नींव होता है। तो दोस्तों, इसी तरह काम की जानकारी लाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।